नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सुहासिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोहा गिरदी आ चुके हैं और यहाँ का पवित्र स्थान आपको दिखाएंगे। और आज पूर्णिमा का दिन है, इसलिए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे इस तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए आते हैं और बहुत संख्या में यहाँ पे भीड़ है। और आपको दिखाएंगे यहाँ का खूबसूरत दृश्य और यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये आप लोहारगढ़ धाम का दृश्य देख रहे हो, आपको वहाँ पे दिखाते हैं आज पूर्णिमा के दिन कितने श्रद्धालु यहाँ का पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। तो आइए दिखाते हैं यहाँ का पवित्र नज़ारा। आप देख सकते हैं चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र बहुत ही मनोरम लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हैं चारों ओर की यहाँ की खूबसूरती बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बहुत ही अच्छा एवं पवित्र स्थान है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पूर्णिमा अमावस के दिन स्नान करने के लिए आते हैं एवं अपने पापों से एवं अन्य किसी गलत कार्यों से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर आते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान आपको दिखाया जा रहा है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत दृश्य और यहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी भारी भीड़ आपको देखने को मिलती है। देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे पूर्णिमा का स्नान किया जा रहा है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं लोहारगढ़ धाम का पवित्र दृश्य और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए एवं पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और आज पूर्णिमा का दिन है, इसलिए विशेषकर यहाँ पे श्रद्धालु इस पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। और कौरवों और पांडवों के काल से ये स्थान प्रसिद्ध माना जाता है और उसी समय से यहाँ पे मतलब काफ़ी श्रद्धालु आने जाने लग गए हैं। और यहाँ पे सूर्य मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारत में। और यहाँ का खूबसूरत दृश्य चारों ओर से आपको दिखाएंगे। लगातार बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। और ये सामने वाला आपको देख सकते हैं सूर्य भगवान का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। और इधर ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जो कि काफ़ी सुंदर एवं प्रसिद्ध है। और ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर एवं पवित्र माना गया है। देख सकते हैं गोविंद जी सर से बात करेंगे। सर बताइए, आप यहाँ पे आप कितने यात्रियों को लेकर आए हैं? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुजानगढ़ से धार्मिक यात्रा में दो तो बड़ी बसें 60 सीटर की और दो गाड़ियां आई है क्रूजर, जिसमें मेरे साथ में लगभग 150 यात्री हैं, जो कि आज पूर्णिमा के अवसर पर स्नान कर रहे हैं। और इस पवन गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा बताई गई है, मेरे साथ में यात्री ऐसे ही जुड़े रहते हैं। और आने वाली 9 अगस्त को भी मेरे साथ में वृंदावन की यात्रा है, जो कि सुजानगढ़ से 2 बसें जाएगी। जो भी भक्त लोग जाना चाहे वो भाई प्रदीप से या मुझसे गोविंद गैलर से संपर्क करें। धन्यवाद।